आओ मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुमने शोभा की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया। कैसी है शोभा? वैसे तो अच्छी है लेकिन काटने को दौड़ती है बाबा। झूठ, बिल्कुल झूठ बाबा, उसका मिजाज तो बहुत मीठा है। चंदा को बहुत पसंद आई है, अब इन बूढ़ी हड्डियों पर भरोसा नहीं रहा, वरना तुम्हारी शादी में। तुम इसकी कुछ चिंता मत करो बाबा। अच्छा बेटा, शोभा को जल्दी घर पहुंचा दो, वो किसी की अमानत। बाबा, चंदा के आदमी से जब भी रास्ता साफ हो जाएगा मैं खुद ही घर छोड़ाऊंगा उसको। और बेटी चंदा, तुम कल शोभा को अपने साथ लेती आना। जरूर बाबा, तुम उसे देखकर बहुत खुश होगे। शोभा दीदी, चलो हमारे साथ। कहाँ गोपी? आज हमारे बाबा का जन्मदिन है, आओ तुम्हें नाच दिखाएं। ऐसा नाच तुमने कभी नहीं देखा होगा। अजीब जगह है, सबके सब लूटे रहे हैं। मगर सवाल यह है कि हम लूटते कैसे लोगों को? लूटेरों का भी एक उसूल होता है ना। बड़ा ऊंचा उसूल है जिसमें लूट मार सभी कुछ जायज। और से देखोगी तो दुनिया की हर चीज में एक उसूल पाओगी, यहां तक कि मोहब्बत भी बेउसूली नहीं होती। मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि तुम किसी एक खास आदमी से मोहब्बत कर सकती हो ना, हर किसी से तो नहीं कर सकती। वैसे जगह अच्छी है। जगह तो काफी अच्छी है। काम काज, खेती बाड़ी, खाना कपड़ा सभी के पास मौजूद। नहीं, इसके अलावा इंसाफ है, बराबरी है, और सबसे बड़ के जो चीज हमारे पास है ना, वो मोहब्बत है, जो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए है। इतने ही भले हो सबके सब, तो यहाँ पहाड़ों में क्यों छिपे बैठे? ये भी बता दूंगा एक दिन। खैर, इस वक्त चलो तुम्हारे लौटने को कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूं। जाऊं? जाऊं? हाँ, जा। अच्छा, चलता हूं। नाम बताओ। हवालदार मोतीलाल। अरे मेरा नाम नहीं, अपना नाम बताओ। अपना हजूर, मंगे का बेटा गंगा। बाप का नाम? रंगे का बेटा मंगा। मंगे का बेटा गंगा, रंगे का बेटा मंगा, समझ में नहीं आता है कि इसमें बाप कौन और बेटा कौन है। अच्छा, किसने मारा तुम्हें? एक औरत ने हजूर। उसका नाम? जमुना देव। गाँव का नाम? अपना ही गाँव है हजूर। कौन से गले? गरीबी अपनी है हजूर। उस औरत का घर? घर भी अपना ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो औरत तुम्हारे घर में किराएदार है। तुमने जरूर कोई उल्टी सीधी बात कही होगी। नहीं हजूर, अपनी बीवी है हजूर। ओ मेरी गॉड, वेरी। क्या कहा, तुम्हारी बीवी है? तो तुम थाने में ये रिपोर्ट लिखवाने आए हो कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मारा है? कितनी बीवी है तुम्हारी? एक ही है हजूर। ओ बस, जानते हो मेरी कितनी औरतें हैं? दो बीवी हैं मेरी, दो बीवियां। एक मारने को दौड़ती है और एक पीछे से धक्का देती है। अब तुम ही बताओ कि मैं ये किस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाऊं? बुद्धू कहीं का थाने में रिपोर्ट लिखवाने आया कि बीवी ने मुझे मारा है। जा 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 मेरे भाई, उसे राजी कर लो, उसके पांव पकड़ लो, मिन्नत समाजत करो। अगर वो चले गई बेटा तो याद रखो, सारी जिंदगी चूल्हे में फूंके मारते रहोगे। और फिर औरतें तो भगवान का रूप होती हैं। जा 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 जा। अच्छा सर, बीबी की रिपोर्ट लिखवाने आया है, पागल कहीं का। नेक्स्ट 441। यस सर।
कुछ सुना तुमने? हर प्रसाद के घर से जेवरात का डिब्बा चोरी हो गया है। ओहो, शुक्र है भगवान का सर कि सिर्फ डिब्बा ही चोरी हुआ है। अरे बेवकूफ, डिब्बे के अंदर जो जेवरात थे वो भी चोरी हो गए। ओ सर, तो जेवरात डिब्बे में थे। अभी इस रिपोर्ट को रजिस्टर में दर्ज कर लेता हूँ। रजिस्टर में दर्ज करने से क्या फायदा, चोरी का भी तो पता चलना चाहिए। सर, इससे पहले सैकड़ों रिपोर्टें अधूरी पड़ी हैं, इसकी बारी तो बहुत देर से आएगी। ये राशन के दूध की दुकान है या पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन सर। फिर बारी बारी क्या लगा रखी है? मैं देख रहा हूँ कि आज तक कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया है। तुम सिर्फ एक मुजरिम पकड़ कर दिखा दो तो बाकी सबका पता चल जाएगा। सर, एक ही पकड़ना तो मुश्किल है, बाकी सबको तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। मैं जानता हूँ तुम जरूर ढूंढ लोगे। देखो, हर प्रसाद के नौकर को थाने में तलब करो, शायद उससे चोरी का पता चले। समझे? यस सर, यस सर। 29, भाग कर जाओ हर प्रसाद के घर, उसके नौकर को यहां लाओ। नमस्ते हुजूर। आज अंदर रखो, जाओ। हर प्रसाद ने थैली में कितना मजबूत बांध रखा है, और सिल्क की थैली है हुजूर। अच्छा, सब सिल्की है? हाँ। अंदर खोलो तो। हुजूर, इसमें से हीरा मोती मालूम होते हैं। हीरे मोती? हाँ। अच्छा, दूसरी? हुजूर, इसमें भी हीरा मोती मगर बड़े बड़े। वाह वाह वाह। हुजूर, इसमें तो सोने का पाउडर है। पाउडर? सोने का पाउडर? हाँ। अच्छा, पहले इसी को खोलो। हुजूर, रेत। हुजूर, काले पत्ते। ये सब क्या है चंदर? हुजूर, ये सब उस आजाद लुटेरे की कारस्तानी है। अब के बार अगर उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दिया तो मेरा नाम भी चंदर नहीं। चलो, चंदर बाबू के पास चले। इसी रास्ते से गुजरेंगे, जब भी वो आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। नहीं नहीं, 441। यस सर। क्यों ना उस चट्टान पर चला जाए? सर, वो बहुत दूर है सर। फोर फोर्टी वन यस सर। हमें इस दरख्त पर चढ़ के बैठ जाना चाहिए। दरख्त सर? हाँ हाँ, करेक्ट सर। सर, चढ़ जाइए, चढ़ जाइए। पहले तुम चढ़ो। अब मैं सर।
सर सर सर, खान साहब की गाड़ी। चुप रहो। सर सर सर, शोभा गाड़ी में बैठ रही है। वो बैठी वो सर, दरवाजा बंद। सर बुद्धि शोर क्यों मचा रहे हो? ऐसा बोलो। सर, घोड़ा दुम दबा कर भाग रहा है। सर सर, वो जा सर, हम पिछले चलो 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 चलो। सर ये साथ लेते। गाड़ी के साथ जाओ। तुम जरा होशियारी से जाओ, और देखो तुम गाड़ी होशियारी से ले जाओ। चलो शाबाश चंद्र, शाबाश। वो काम किया है तुमने जो रुस्तम से भी ना हो सकेगा। आजाद जैसे आदमी को नीचे दिखाना तुम्हारे जैसे शेर दिल का काम। चंद्र, अगर आज मैं सुल्तान होता तो तुम्हें अपना वजीर खास बनाता। सरकार, मैंने आपका दिल आबाद करने का वादा किया था तो कर दिखाया, और अब कसम खा के कहता हूं कि आजाद को जल्द से जल्द, जिंदा या मुर्दा, आपके कदमों में पेश कर दूंगा। शाबाश चंद्र, हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज। शोभा, मेरे दिल की रानी। सरकार खामोश। कहां तक दर्द दिल को ही छुपाए अपने सीने में, अरे तड़प उठता है जब ये दिल, तो फिर कहना ही पड़ता है। शोभा, मेरी तकदीर का दरवाजा खोल दो। ओ, शर्मा रही हो। शोभा, हटा दो ये लाज का पर्दा। मेरी जाने तमन्ना, मेरे दिल की शांति। सरकार, शर्मा रही है, जरा फिर कोशिश कीजिए। सरकार, यूं काम नहीं चलेगा। चलिए तो जाए। सरकार, हिम्मत से काम लीजिए, फिर पकड़िए। चलिए तो। तो ये है मेरे दिल की शांति, मेरी जाने तमन्ना, सुल्तान की मलिका। सरकार, ये सब उस कमबख्त आजाद की कारस्तानी है, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सरकार, हेड कॉन्स्टेबल। हेलो हेड, कैसे मिजाज? मिजाज इज एक्सीलेंट सर। आज सुबह बिस्तर से उठते ही मैंने अपने छोटे बच्चे का मुंह देखा सर। फिर क्या हुआ? सर, होना क्या है, जिस दिन मैं अपने छोटे बच्चे का मुंह देखता हूँ उस दिन मुझे कोई ना कोई मुजरिम जरूर पकड़ने का मौका मिलता है। सर, आज गाड़ी पकड़ने का मौका मिल गया तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम इस गाड़ी को यहाँ से ले जाकर इसके मालिक को दे दो। ये क्या कहते हैं आप सर, इस गाड़ी को मालिक को दे दूं? ये नहीं हो सकता सर। इस गाड़ी ने तो मुझे सब इंस्पेक्टर नहीं, इस गाड़ी ने मुझे कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनाना है सर। सर, इस गाड़ी में कौन आया था? हेलो इंस्पेक्टर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिस्टर सुंदर, क्या ये खान साहब की गाड़ी नहीं? मैं पूछ सकता हूँ ये गाड़ी यहाँ कैसे आ गई? इसमें पूछने की क्या बात, गाड़ी सड़क पर बगैर कोचमान के भागी जा रही थी, मेरा नौकर पकड़ कर ले आया। अभी मैं पूछ ही रहा था कि आप लोग आ गए। लेकिन बंगले से गाड़ी सड़क पर कैसे आ गई? सर, गाड़ी के साथ घोड़ा भी तो है, वो खींच लाया होगा। तुम चुप रहो। मिस्टर सुंदर, आपको ये गाड़ी सड़क से यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? सर, सुंदर बाबू बहुत बड़े सोशल सर्वेंट हैं। सड़क पर कोई भी चीज अकेली जा रही हो, ये जरूर उसकी मदद करते हैं। 441। यस सर। मिस्टर सुंदर, आपने इस मामले की इत्तला पुलिस चौकी पर क्यों नहीं दी? आपके ख्याल में मुझे ख्वाब आया था कि ये गाड़ी यहाँ आ रही। इंस्पेक्टर साहब, आगे आगे ये गाड़ी आई और पीछे पीछे आप, और फिर पुलिस में रपट दिखाने का फायदा भी क्या? शहर में सैकड़ों चोरियां, डाके डाले गए,
दिन दहाड़े खून हुए, लेकिन पुलिस ने क्या किया? मिस्टर सुंदर, आप अपने काम से मतलब रखिए। 441 ये गाड़ी चौकी पर ले जाओ। मिस्टर सुंदर, आप मुझे अपना बयान लिखवाइए। शौक से लिखिए। सुनो तो, शायद शोभा की आवाज सुनाई दे रही है। मालकन, आपको तो सोते जाते शोभा रानी के सपने आते रहते। सच कहता हूँ, जब से बिटिया रानी गुम हुई है मेरी तो अपनी नींद गुम हो गई। अरे पुत्र सुन तो सही, ये उसी की आवाज है। आवाज तो उसी की है, देखू तो। कौन है? बाबूजी। बाबूजी, शोभा मेरी बच्ची, मेरी रानी बिटिया, आ गई तू। भगवान ने हमारी लाज रख ली बेटी। तेरे गांव में तो हमें खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था, कहाँ चली गई थी तू? ओ मोतीलाल, आओ आओ, क्या बात? सर पता चल गया, सर चल गया पता। किसका पता चल गया? शोभा रानी का सर। और हमारी शोभा का? हाँ सर, आखिर एक न एक दिन तो पता चलना ही था। सर आज आप ये कैसी रूखी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। नन्ने नन्ने बाल बच्चों को छोड़कर, बीवी से मुंह मोड़कर, खौफनाक जंगलों और पहाड़ों में भूखा प्यासा शोभा रानी को ढूंढता रहा हूँ। सर उसकी तलाश में जो जो मुसीबतें मुझ पर पड़ी, उसे या तो मेरा ईश्वर जानता है या मैं। बैठ जाओ हेड कांस्टेबल, तुमने सचमुच बहुत तकलीफ उठाई। सर अगर मैं ऐसी मुसीबतें ना उठाऊं तो मैं इंस्पेक्टर कैसे बनूंगा? सर अब मेरे लिए एक और नई मुसीबत आ रही है। वो क्या? मुझे सुंदर को गिरफ्तार करना है। सर सुंदर को गिरफ्तार करना है? बेशक, मैं मजिस्ट्रेट से उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी ले आया हूं, और अभी अभी सुंदर को गिरफ्तार करके शोभा को छुड़ाकर यहां लाता हूं। आखिर ये माजरा क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। आप नहीं जानते बाबू चरणदास, शोभा अभी अभी सुंदर के घर गाड़ी से उतर कर गई है। यस सर, मैंने अपनी दो आंखों से देखा है। बाबूजी। आओ बेटी। कौन? शोभा रानी। तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है मोतीलाल? ये मेरी बेटी शोभा है। शोभा रानी, तुम सुंदर के घर से कब आई? सुंदर के घर? उसके घर मेरा क्या काम? ऐसा भी क्या सर, भला सुंदर के घर गाड़ी में से कौन उतरा था? ओह, तो सुंदर की तरह पुलिस को भी मायूसी हुई है। सर मेरा तो सर चक्कर खा रहा है। सर ये जरूर कोई जादू का खेल है। तुम चुप रहो 441। यस सर। अच्छा बाबू चरणदास, फिर दर्शन होंगे। नमस्ते। नमस्ते सर।